20 मिनट बाकी हैं सहरी का वक्त खत्म होने, तो उनको लगता है इससे वो अल्लाह ताला को किसी तरीके से वो कमी पहुंचा दें। इतनी जल्दी सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गया? अभी 16 था 22 हो गया। 12:30 बजे के करीब 20,000 सब्सक्राइबर्स हुए। ऐसे मेरे रूममेट लोग ने मेरे से बोला आज की इफ्तारी मेरे तरफ से होनी चाहिए, बिरयानी के साथ लस्सी भी ले लेंगे। अब प्यास बुझ चुकी है, क्या किया जाए? अरे दुआ कमाने बता रहा हूँ, ये इस उम्मत का कुछ नहीं हो सकता। और ये सालों के बाद अपनी नॉर्थ की कैंटीन खुल चुकी है। खाना खा के थोड़ा सा टहलने क्या निकले थे, बर्दाश्त नहीं हुआ मौसम को, तुरंत बरसने लगा, वापस से रूम में भेज रहा है। खैर जा रहे हैं वापस से रूम में, सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे। शहरी के लिए वक्त आजकल बहुत कम ही मिल पाता है। कल के कंपैरिजन में आज थोड़ा जल्दी में उठ गया हूँ, अभी 20 मिनट बाकी हैं शहरी का वक्त खत्म होने में। अपनी सहरी हो गई, फटाफट बाकी के काम निपटा के चलते हैं फज्र की नमाज के लिए। ओ भाई साहब ने आज पार्टी बदल ली, देख रहे हैं डाइनिंग जाके नहीं है, खाना खा रहे हैं, ब्रेड और न्यूटेला खाया जा रहा है। ओम फो ना, 3 खजूर 3 केला काफी है झेलने के लिए दिन भर का झमेला। Assalamu alaikum guys, this is Akim Nadeem, you're watching me on channel I am Khan, I'm back again with a brand new vlog. Welcome to the 8th day of Ramadan. 8th ye naaj aur kal raat mein itni barish abhi matlab bahut tez thand lag rahi hai. Kal bina sweater ke kaam chal gaya tha, aaj fir se sweater pehenna hi pada. Apne 20,000 subscribers bhi ho gaye alhamdulillah. Focus on this ayah. Whatever of good reaches you is from Allah, but whatever of evil befalls you is from yourself. Allah ताला फरमाते हैं कि जो कुछ भी हमें अच्छा मिलता है वो अल्लाह की तरफ से, but whatever of evil befalls you, आपको जो कुछ भी मतलब खराब, जो आपको लगता है गलत चीज़ है या खराब चीज़ आपको मिल रही है, is from yourself. मतलब वो हमने ही जो किया हुआ उसके अंजाम है। ये वाली जो आयत है ना, इसी से कनेक्टेड एक तरीके से, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलते हैं अल्लाह ताला कि कहो ऑल थिंग्स आर फ्रॉम अल्लाह, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, सो वॉट इज रॉन्ग विद दीज पीपल दैट दे फेल टू अंडरस्टैंड एनी वर्ड, और इनके साथ क्या है ये कोई भी बात को समझते नहीं, मतलब कोई भी पैगाम को समझते क्यों नहीं है। एंड वी हैव सेंट यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मैसेंजर टू मैनकाइंड, और हमने आपको ये नबी पूरी इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजा है। एंड अल्लाह इज सफिशियंट एज अ विटनेस, और अल्लाह ताला काफी है इसकी गवाही के लिए। इसी से कनेक्टेड एक और आया है इसी में, एंड हूएवर अर्न्स अ सिन, कोई भी जो एक गुनाह कमाता है, जो करता है, ही अर्न्स इट ओनली अगेंस्ट हिमसेल्फ, और वो अपने खिलाफ ही उसको कमाता है। एंड अल्लाह इज एवर ऑल नोइंग ऑल वाइज, और अल्लाह ताला हर कुछ जानने वाला है, बहुत ज्यादा हिकमत वाला है। बहुत लोग डिप्रेशन में आके या मतलब जब बुरा फील करते हैं, लो फील करते हैं अपने लाइफ में, तो गुनाह करते हैं, उनको लगता है इससे वो अल्लाह ताला को किसी तरीके से वो कमी पहुंचा देंगे, मतलब रिबेलियस हो जाते हैं और अल्लाह ताला को ऐसा लगता है कि वो नीचा दिखा देंगे गुनाह करके। तो अल्लाह ताला इसीलिए बोल रहा है कि ही अर्न्स इट ओनली अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो वो जो गुनाह कर रहा है उससे अल्लाह ताला को कुछ नहीं होने वाला, वो अपने खिलाफ ही कर रहा है और उसका असर उसको दिख जाएगा। एक आयत और थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ओ यू हु बिलीव व्हेन यू गो इन द कॉज ऑफ अल्लाह, ईमान वालों अल्लाह की जब राह में जाओ वेरीफाई करो, क्या चीज, अब यहाँ ब्रैकेट में जो है तफसीर है इसकी, द ट्रुथ हक, मतलब कि पहले पता कर लो और किसी को कुछ मत बोलना जो तुमको ग्रीट करता है, मतलब सलाम करता है आपसे आके अच्छे से कर मिलता है, तो उसको ये मत बोलना क्या यू आर नॉट अ बिलीवर, तुम ईमान वाले नहीं हो। सीकिंग द पेरिशेबल गुड्स ऑफ द वर्ल्डली लाइफ, आपका हिडन मोटिवेशन है दुनियावी चीज में, कोई लालच है आपका, इसके लिए उनको ये मत बोलना कि तुम काफिर हो, ईमान वाले नहीं हो। देयर आर मच मोर प्रॉफिट्स एंड बूटीज विद अल्लाह, अल्लाह ताला के पास इससे ज्यादा खजाने हैं, नेमतें हैं। इवन एज ही इज नाउ, वो जैसा भी अभी है, सो वेर यू योरसेल्फ बिफोर टिल अल्लाह कॉन्फर्ड ऑन यू हिज फेवर्स, ऐसे तुम भी थे एक वक्त पे जब अल्लाह ताला ने तुमको हिदायत नहीं दी थी। देयरफॉर बी कॉशियस इन डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पे अल्लाह ताला बोलता है कि इससे बचो तफरकेबाजी करने से, एक दूसरे पे बहुतान मत बानो या फिर ये मत बोलो तुम काफिर हो, उसको भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दो कि नहीं हो सकता है अच्छा इसकी नीयत ऐसी हो या कुछ है। ये मुस्लिम्स पे अप्लाई होता है, ये आयत जो है बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में फिट होती है। अल्लाह इज एवर वेल एक्वेंटेड ऑफ व्हाट यू डू, और अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है, अब जो कुछ भी करते हो या मतलब उसको पहले से उसकी समझ है। Yes, guys, आज फ्राइडे का दिन है, इसलिए नहाने के लिए बाथरूम में जो जिहाद चल रहा है ना, बाथरूम 4 और नहाने वाले 10-15, बहुत नाइंसाफी है। मैं अपना जितना व्लॉग शूट किया था सुबह उसको एडिट करते करते मुझे बच गए थे 10:30, फिर 10:30 बजे जो मैं सोया, फिर मैं उठा 12:30 बजे, लेट हो गया। 12:30 बजे के बाद फ्राइडे के दिन बाथरूम में घुसना दुश्वार हो जाता है, पहली बार हुआ होगा कि मैं इतना लेट हो गया नहाने में। आज तो बहुत मुश्किल है कि हमें जगह भी मिल जाए अंदर, इतनी भीड़ हो गई होगी। اللهم أعز الإسلام والمسلمين
इतनी जल्दी सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गया? अभी 16 था, 22 कैसे हो गया? सब अल्लाह ताला का करम है और कुछ नहीं। अरे वालेकुम अस्सलाम, हजरत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तुम्हें ऐसी बरकत दे, आमीन। वक्त हो रहा है 4:17 और हम तब तक कर लेते हैं थोड़ा बहुत कपड़ा प्रेस। साडा कपड़ा प्रेस हो गया है। कल मेरा सेशनल इस पेपर का है, कॉन्टेक्स्ट इन लैंग्वेज टीचिंग। ये अपना पूरा सिलेबस है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उन्हें कवर करना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। इसीलिए पढ़ाई करने नहीं बैठता हूँ, देखो बैठा हूँ पढ़ाई करने, लाइट चली गई। ये भाई साहब का डिलीवरी वाला आ गया है पार्सल लेके, बोल रहे हैं मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। रहमतें बरस रही हैं भाई साहब के ऊपर, मुफ्त में इनको ऑर्डर मिल रहा है। अरे तुमने जूता मंगाया है? कैसे लोग हैं, ऑर्डर कर देते हैं फिर कहते हैं ऑर्डर भी नहीं किए। रूम में अंधेरा है, इज्जत से फाड़ते हैं। अरे वाह लाइट आ गई। जूता जनाब ने अपने साइज का मंगाया हो मुझे रहा है। अबे फिर लाइट चली गई। हम जा रहे हैं इफ्तार का सामान लाने के लिए, क्योंकि असर की नमाज हमने पढ़ ली। कल रात में जैसे मेरे 12 बजे करीब 20,000 सब्सक्राइबर्स हुए, जैसे मेरे रूममेट लोग ने मेरे से बोला आज की इफ्तारी मेरे तरफ से होनी चाहिए, इसी के लिए हम जा रहे हैं। और हमने डिसाइड किया कि बिरयानी लेते हैं। बेसिकली पूरी इफ्तारी मेरे तरफ से स्पॉन्सर्ड है, आन खान की तरफ से। यूपीआई रखे हो? बिरयानी हमें उठानी पड़ेगी शेर पंजाब से, इसके साथ बिरयानी के साथ लस्सी भी ले लेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री लस्सी। इतनी भीड़ है भैया, आज दिन ब दिन जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। किलो बिरयानी दे दो। मैं पूछ रहा हूँ, 4 लस्सी कर देना। यार आधा घंटा के करीब है मगरिब का वक्त होने में, सारा सामान हमने ले लिया और इतना भारी हो गया आज, हाथ मेरा दुख गया, इसका पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। ये लाइट जलाई जी भाई। मेरी को भैया एक ही चीज़ का इंतजार है, कल सेशनल अपन का खत्म होगा, उसके बाद अपन को जो है सेहरी करनी है अलग तरीके से और इफ्तार करना अलग तरीके से। ये ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं अपनाएगा मैं, इधर रूम में लाके खाने का बैठ के काटने का ये सब नहीं मांगता अपन को। अपन जाएगा उधर दुकान पे, उधर ही मुंह मार के आएगा क्या? ये पपीते को स्क्रीन गार्ड लगाया जा रहा है, जानते हैं आप बोले ना, उधर अंगूर छिलाई हो रही है। योर लस्सी, दिस इज माई लस्सी, माई चम्मच, योर चम्मच, योर चम्मच, योर चम्मच। वक्त होने वाला है मगरिब का, वेट कर रहे हैं हम। दुआएं शुआएं मांगे भाई? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा 10 सेकंड में बस सायरन बजने वाला है। बस जमाओ अब्तल रोको मसाबतलो इंशाल्लाह। द थर्स्ट हैज बीन क्वेंच्ड, प्यास बुझ चुकी है, क्या किया जाए? अरे दुआ का माने बता रहा हूँ, ये इस उम्मत का कुछ नहीं हो सकता, ना कुरान पढ़ती है तर्जुमे से ना दुआ का मतलब पता। अपना सस्ता फ्रेंच फ्राइज, अब ये खुली अपनी बिरयानी, अंगूर तो बचे रह गए। आज एक कट में आउट्रो देना है पूरा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे बहुत तेज नींद आ रही क्योंकि मैंने ठूस के बिरयानी जो खा ली है, तख लिया खे।